खबर सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी द्वारा आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से चुनाव प्रभावित करने वाले कारकों पर निगाह रखते हुए दूर निर्देश दिया है, जिसके फलस्वरूप आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक इंद्रनगर एस परस्ते द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुंडे, आदतन, अपराधी, बदमाश व दंगों में शामिल रहे लोगों जैसे निगरानी बदमाश, हिस्ट्री शीटर, चुनाव प्रभावित करने की संभावना वाले असामाजिक तत्वों को कोतवाली थाना प्रभारी सुदेश तिवारी द्वारा कोतवाली में तलब किया गया, जिसमें सभी को चुनाव में एवं सामान्य स्थिति में भी किसी भी प्रकार के अपराध में से बचने, क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की समझाइश दी गई, निर्देशों का पालन न करने की स्थिति के दुष्ट प्रभाव से भी अवगत कराया। इसके अतिरिक्त उनके नैतिकतापूर्ण जीवन यापन में आने वाली बाधाओं में सहायता करने वालों, समाज में अपराध से दूर रहकर सामान्य जीवन यापन करने वालों को भी पुलिस सहायता देने का आश्वासन दिया गया। अभी तक करीब आधा सैकड़ों बदमाशों को समझाया गया है। सक्रिय बदमाशों को चिन्हित किया जाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। थाने के क्षेत्र के समस्त बीट प्रभारी एवं स्टाफ भी उपस्थित थे। उक्त बदमाशों के नियंत्रण हेतु संबंधित बीट प्रभारी एवं स्टाफ को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। सिंगरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।